भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक शनिवार को शिमला में आयोजित की गई, जिसमें मोर्चा के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का सभी से आह्वान किया गया। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय शिमला में भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, जिला अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को घर द्वार तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। भाजपा किसान मोर्चा के प्रभारी सुधीर त्यागी ने कहा कि सरकार की योजना किसानों तक पहुंचे, इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने किसानों के हित में चलाई गई योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है किसानों के लिए, उसे घर घर तक, गाँव तक किसानों की योजना को पहुँचाने का उद्देश्य है, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं और उसी पे हमारी चर्चा हो रही है। अभी देख रहे हैं कि जितनी भी यहाँ योजना है सब नीचे तक जमीन तक पहुँचे, छोटे किसान तक, बड़े किसान तक, और उसी पे चर्चा के लिए हम बैठे हुए हैं। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए 188 करोड़ का नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आम, लीची और पलम की पैदावार को बढ़ावा दिया जाना है। मतलब प्रदेश किसान मोर्चा के पदाधिकारी, जिसमें जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं, की बैठक आज हो रही है और हमारे नव नियुक्त जो केंद्र की ओर से, किसान मोर्चा की ओर से जो हमारे प्रभारी है सुधीर त्यागी जी, आज हमारे बीच में है, ये हमारा आज मार्गदर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में किसान मोर्चे का जो संगठन है वो प्रदेश से लेके और मंडल तक और बूथ तक हमारा गठन हो चुका है, और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे हमारे प्रदेश के आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जो किसानों के लिए योजनाएं चलाई है, उनकी हम इस बैठक में चर्चा करेंगे और हमारे वो फील्ड तक पहुँचे, गाँव तक पहुँचे, किसान तक पहुँचे, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके लिए हम आगे कार्यक्रम मंडलों तक पहुँचाएंगे। अभी अभी मैं इस मीटिंग के माध्यम से आज धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, कि एक प्रोजेक्ट पहले आया था 1134 करोड़ का, जो केवल हमारे कुछ लिमिटेड एरिए के लिए था, लेकिन अभी अभी 10 दिन पहले ही आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने किसानों के जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो लोअर बेल्ट है, जिसमें हमारे 10-11 जिले शामिल हैं, उसके लिए एक 1688 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट अभी अभी हमने समर्पित कराया था। उसके लिए हम आदरणीय जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमारा निचला क्षेत्र है, उसमें हमारा जैसे आम होता है, लीची होता है, हमारा नींबू होता है, पलम होता है, उसके लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए उसमें बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।